हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेज ऑफ स्टडी के बारे में और साथ ही में हम देखने वाले हैं कि ये हेज ऑफ स्टडी की प्रोसेस क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हेज ऑफ यानी कि होता क्या है। हेज ऑफ यानी कि हजार्ड एंड ऑपरेटेबिलिटी स्टडी। हेज ऑफ ये एक सिस्टमेटिक वे है कि जिसमें जो भी वर्क प्रोसेस होती है उसमें जो भी पॉसिबल हजार्ड्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और इसी अप्रोच में जो प्रोसेस होती है उसको स्टेप में ब्रोकन डाउन किया जाता है, यानी कि उस स्टेप के टुकड़े किए जाते हैं और फिर जो स्टेप हमने जो है कंसिडर किया है उसका जो वर्क पैरामीटर्स है उसमें वेरिएशंस देखे जाते हैं और वो इसलिए देखा जाता है ताकि उससे क्या गलत हो सकता है, तो इसे हेज ऑफ स्टडी कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये हेज ऑफ की क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको जो भी टास्क आप करने वाले हो, जो भी जॉब आप करने वाले हो, उसको सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको एक टीम जो है वो अरेंज करनी है, जो उसमें कॉम्पिटेंट पर्सनस ही होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी है तो उसके लिए आपको एक सिविल इंजीनियर जो है वो कॉम्पिटेंट पर्सनस होना चाहिए, स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर आपके साथ होना चाहिए, स्कैफोल्डिंग फोरमैन आपके साथ होना चाहिए, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर भी आपके साथ होना चाहिए, एक HSE पर्सनस होना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो वो स्कैफोल्डिंग की टीम के जो रिगर्स है उसको भी आपको टीम में शामिल करना है। तो इस तरह आपको टीम को अरेंज करना है। फिर उसके बाद जो भी टास्क आप कर रहे हो उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उसका सारा डाटा आपको कलेक्ट करना है और फिर उसके हिसाब से आपको प्लान बनाना है। फिर उसके बाद आपको एक शेड्यूल अरेंज करना है जिसमें किस पर्टिकुलर डेट पर आपको उस टास्क का इंस्पेक्शन करना है, यानी कि उसकी हेज ऑफ स्टडी करनी है। फिर उसके बाद जो टास्क आपने सेलेक्ट किया है उसको आपको पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि उसके छोटे छोटे स्टेप जो है वो आपको कंसिडर करने हैं। फिर उसके बाद जो जॉब के यानी कि जो टास्क के आपने पार्ट्स किए हैं उसमें से एक पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद उस पार्ट से यानी कि उस स्टेप से आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, उसमें हजार्स क्या है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद आपको उसके जो पॉसिबल रेमेडियल जो मेजर्स है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी कि उसके कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकते हैं वो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। अब ये तो आपने जो जॉब है उसके एक पार्ट का किया, वैसे जो आपने उसके जो पार्ट्स किए हैं अलग अलग उसमें से अभी दोबारा हमें दूसरा पार्ट सेलेक्ट करके वही सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है, यानी कि हमें दूसरा पार्ट कंसीडर करना है और फिर दोबारा उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसमें हजार्स क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और फिर उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसके कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकते हैं। ऐसा आपको वो जो जॉब है यानी कि जो टास्क है उसके जितने आपने पार्ट्स बनाए हैं हर एक पार्ट्स के लिए आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है और फिर उसके बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आपको एग्जामिनेशन के लिए उसको रिकॉर्ड करना है। फिर उसके बाद आपको फॉलोअप लेना है कि जो भी कंट्रोल मेजर्स आपने सजेस्ट किए हैं, आपने आइडेंटिफाई किए हैं, यानी कि वो जो सारी एक्शंस है वो इम्प्लीमेंट हो रही कि नहीं हो रही, उसका आपको फॉलोअप लेना है। फिर उसके बाद आपको जो पार्ट्स आपने सेलेक्ट किए थे, जिसके आपने हजार्स फाइंड आउट किए थे और उसके लिए कंट्रोल मेजर सजेस्ट किए थे, उस पार्ट्स को दोबारा आपको रीस्टडी करना है और वो रीस्टडी आपको इसलिए करना है कि कोई पार्ट उसमें से छूट तो नहीं गया है, कोई हजार्स हो या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो वो बचे तो नहीं है, वो आपको उसमें देखना है और फाइनली आपको वो जो रिपोर्ट है उसका जो आउटपुट है वो आपको प्रोड्यूस करना है। तो ये सारी बातें आपको सीक्वेंस वाइज पता होना चाहिए क्योंकि यही जो है ये हेज ऑफ की प्रोसेस है जो आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप किसी HSC इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि हेज ऑफ स्टडी क्या होती है और उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो आपको ये जो हमने पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं ये सारे पॉइंट्स उनको बताने हैं। आप जब ये सारे पॉइंट्स उनको स्टेप बाय स्टेप बताओगे तो आप उनको सेटिस्फाई कर पाओगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि हेज ऑफ स्टडी क्या होती है और हेज ऑफ की प्रोसेस क्या होती है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।